हेलो एंड वेलकम टू स्टडी रूम। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पिछले कई सालों से चाइना अपने डेट रैप में अपने पड़ोसी देशों और छोटे देशों को फंसाता चला आ रहा है लगातार, और इसी के नाम पर वो कर्ज देता है उनको और उनकी जमीन या उनके बंदरगाहों को अपने इलीगल वे से वो कब्जा कर लेता है या लीज पर ले लेता है। इसी के क्रम में हम लोग देखेंगे कि भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसने अभी हाल ही में अपना सोना दिया जो डीप सी प्रोजेक्ट था उसको कैंसिल कर दिया है, और हम लोग बात करेंगे इस पूरे टॉपिक पर पूरे डिटेल में। मेरा नाम है आलोक दीक्षित और मैं स्टडी रूफ एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बांग्लादेश कैंसिल सोना दिया डीप सी प्रोजेक्ट। और मैं आपको एक चीज और शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारी आरआरबी एनटीपीसी और एसएससी की क्लासेस शुरू हो गई हैं। जैसा कि आपको यहां थंबनेल में दिख रहा होगा, तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े हमारे YouTube चैनल से और फ्री क्लासेस का आनंद लें। तो देखिए, हम लोग ये देख पा रहे हैं बांग्लादेश बरीज द सोनादिया डीप सी प्रोजेक्ट। ये अभी हाल ही में अक्टूबर 12 की न्यूज है। इसमें ऐसा कहा गया है कि जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है उसने ऑफिशियली जो सोनादिया डीप सी प्रोजेक्ट था उसको कॉल ऑफ कर लिया है, चाइना से छीन लिया है। तो आइए समझते हैं पहले ये सोनादिया डीप सी प्रोजेक्ट है क्या और इसका नाम कैसे पड़ा। तो देखिए, सोनादिया एक आइलैंड है, एक द्वीप है बांग्लादेश में, जो दक्षिणी बांग्लादेश में जो कोक्स बाजार और चित्तगांव डिवीजन है वहां पर ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा द्वीप है, जहां पर डीप सी प्रोजेक्ट यानी समंदर के नीचे के जो मेटल्स हैं या आसपास की जो भी रिसोर्सेस हैं उनको खोज करने के लिए एवं कुछ अन्य सामरिक महत्व या स्ट्रेटेजिक पोजिशंस के लिए बांग्लादेश ने किसी कारणवश चीन को दे रखा था, क्योंकि चीन का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश में और इस कारण वो डिनाई नहीं कर पा रहा था। तो इस वजह से अभी हाल ही में जनवरी 2020 में जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मीटिंग थी तब इस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगर हम लोग देखें इसके हिस्ट्री में प्रोजेक्ट के, तो देखिए इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने की बातें तो 2009 से चलती चली आ रही हैं, लेकिन इस पर फाइनल हस्ताक्षर जनवरी 18, 2020 में जाकर संपन्न हुए, जब चाइना और म्यांमार सरकार ने 33 अलग अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें क्यापको स्पेशल इकोनॉमिक जोन डीप सी प्रोजेक्ट भी था, उसमें से एक प्रोजेक्ट ये भी था। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि जो बांग्लादेश चाइना के काफी करीब चला गया था, भारत अपने रिश्ते सुधार रहा है। और इसी क्रम में अगर हम देखें तो ये 2016 की न्यूज है, जिसमें बांग्लादेश ने एक बार फिर से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थी बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड फॉरेन पॉलिसी थी। 2016 में भी बांग्लादेश ऐसा ही एक कदम भारत के फेवर में चल चुका है, आप देख सकते होंगे, जिसमें ढाका ने कैंसिल कर दिया था चाइना का एक प्रोजेक्ट। और चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी है क्या, अगर आप इसके बारे में पूरा विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसके बारे में हमारे फैकल्टी मिस्टर प्रकाश केसरवानी ने पूरे इन डिटेल बताया है कि चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी क्या होती है और कैसे काम करती है। अपने इस वीडियो में आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप इसको जाकर वहां से देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर बांग्लादेश ने ऐसा किया क्यों। तो देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी थी जिसने बहुत सारे देशों को इस तरफ सोचने पे मजबूर कर दिया है और वो थोड़ा सा कॉशियस हो गए हैं, संशयपूर्ण हो गए हैं। और देखिए, भारत की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। अभी आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था कि इंडिया और बांग्लादेश ने इनलैंड वाटरवे को साइन किया है। इसमें आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर वो अपने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं और कनेक्टिविटी को भी इंक्रीज करते हुए आ रहे हैं। तो बेसिकली इनलैंड वाटरवे को स्ट्रेंथन किया है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि चाइना के साथ इस समय और भी क्या जुड़ी हुई चीज है, तो देखिए पूरा विश्व चाइना को इस समय खतरे की घंटी के रूप में देख रहा है। और ये आप CNBC जो ऐसा कहा जाता है प्रो चाइनीज न्यूज एजेंसी, उसने भी ये लिखा है कि नेगेटिव सेंटीमेंट चाइना के इस समय शोर पर है। और आपको दिख रहा होगा कि इस न्यूज में एक्चुअली इस पूरे सर्वे में ये कहा गया है कि जो 81% कंट्रीज है वो इस समय चाइना की तरफ संशयपूर्ण नजरों से देख रही है और चाइना को कहीं ना कहीं वो एक आईब्रो रेजिंग कंट्री की तरह देख रही है, जो अपने हित में या उस कंट्री के हित में नहीं, अपने हित में या कम्युनिस्ट पार्टी के हित में ही सिर्फ जा रहा है। तो इसलिए इस न्यूज में देखिए और भी इसमें कहा गया है, सर्वे जिसमें 14,000 अडल्ट ने भाग लिया था 14 देशों के, उन सब में ये घूम फिर कर यही आया है कि 14 में से लगभग 9 लोगों ने तो नेगेटिव व्यूज दिए हैं और 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने कॉशियस व्यूज दिए हैं कि हाँ वो ये तो नहीं मानते कि चाइना बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, लेकिन हाँ वो ये जरूर मानते हैं कि एक अच्छा खासा कैस्केडिंग इफेक्ट चाइना डाल सकता है। तो हम ये देखते हैं कि आजकल चाइना की जो स्थिति है वो इंटरनेशनल
फोरम में बहुत ही खराब हो चुकी है। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी है उसके खिलाफ अगर देखा जाए तो देश आवाज भी उठा रहे हैं, और इसके आगे अगर कोई फर्दर डेवलपमेंट होती है तो वो आपको मैं अपने आगे आने वाले वीडियोस में कवर करता रहूंगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल से, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज्वाइन करें हमारे स्टडी रूप टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू।